Good morning and Jayan to all of you. This is Rashmi Singh from VS Memorial Public School. Today I am going to continue with my chapter 3 of class 6 civics. This is the chapter Forms of Government. In this we have already learned about the democracy and authoritarianism. We have learned about the universal added franchise. Now I am going to tell you about the parliamentary and presidential. So basically देखिए बच्चों, हमने आपको democratic government बताया, non-democratic government बताया, ठीक है। मैंने आपको गवर्नमेंट की डेफिनेशन बताई, उसके फंक्शंस बताए। अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसे होते हैं। देखिए, समझने की कोशिश करिए। द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आर बेस्ड ऑन द एक्सटेंट विच द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव आर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देखिए दो तरह की गवर्नमेंट के बारे में यहाँ बात हो रही है, एक पार्लियामेंट्री और दूसरी प्रेसिडेंटल। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है, मतलब विधानसभा और राज्यसभा, और प्लस वहाँ के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, इनके अकॉर्डिंग हम गवर्नमेंट को डिवाइड करेंगे कि पार्लियामेंट्री है कि प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ है, ठीक है। अंडर द प्रेसिडेंटल सिस्टम द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर सेपरेट, देयर आर सेपरेशन ऑफ पावर्स। देखिए, जहाँ प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है, जहाँ प्रेसिडेंटल सिस्टम गवर्नमेंट होती है, वहाँ लेजिस्लेचर अलग होते हैं और एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, उनके दोनों के अलग अलग पावर्स होते हैं, ठीक है। जहाँ प्रेसिडेंटल सिस्टम होता है वहाँ लेजिस्लेचर अलग होते हैं और एग्जीक्यूटिव्स अलग होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्रेसिडेंटल सिस्टम कहाँ होते हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा डिफरेंस, एक एक डिफरेंस समझते चलिएगा। प्रेसिडेंटल सिस्टम में लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव अलग होते हैं, इनके पावर्स अलग होते हैं। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म द एग्जीक्यूटिव इज अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड देयर इज अ फ्यूजन ऑफ पावर्स। जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट होता है और उनके पावर्स का फ्यूजन होता है। फ्यूजन मतलब दोनों के पावर्स अलग अलग नहीं होते, एक होते हैं, फ्यूज मिलके, मतलब मिलके जो पावर्स बनाते हैं। फ्यूजन का मतलब एक साथ जोड़ना, तो दोनों के पावर्स मिलकर वर्क करते हैं, ऐसा नहीं कि जबकि आपके प्रेसिडेंटल में क्या था कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एकदम अलग अलग थे, दोनों के अलग अलग काम थे, दोनों के अलग अलग पावर्स थे। पर हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसमें लेजिस्लेचर का ही एक पार्ट एग्जीक्यूटिव होता है और दोनों के पावर का फ्यूजन होता है, दोनों के पावर एक साथ होते हैं, ठीक है। दोनों के पावर्स के क्या होते हैं, फ्यूजन होते हैं। ऑल्सो इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स द पॉलिटिकल पार्टीज हैव इन द लेजिस्लेचर। इफ द पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, द लीडर ऑफ द पार्टी बिकम्स अ प्राइम मिनिस्टर। समटाइम्स नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, इन सच केसेस नंबर ऑफ पार्टीज में फॉर्म अ कॉलिशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। देखिए, बेसिकली बहुत ध्यान से सुनिए। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे इंडिया में कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारे इंडिया में प्रेसिडेंटल नहीं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अमेरिका में। कहाँ, अमेरिका में, ठीक है। अब दोनों का डिफरेंस इसी से अंदाज लगाते चले जाइए। इंडिया में कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री। यहाँ लेजिस्लेचर का ही पार्ट होता है एग्जीक्यूटिव, विधानसभा राज्यसभा इन्हीं के पार्ट्स हैं। आपके प्राइम मिनिस्टर, ये इनके पावर्स, मतलब ये नहीं कि वो कोई भी काम अकेले कर लेंगे, इन सब की सहमति चाहिए, सब मिलजुल के डिसाइड करते हैं कि हाँ कोई भी चीज़ करनी है, उसके ऊपर सबकी वोट्स पड़ते हैं, मेजोरिटी ऑफ वोट, फिर उसके बाद वो नियम या कानून बनाया जाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है, इंडिया में। पार्लियामेंट्री सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, स्टेट का हेड और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट होते हैं। दोनों का मतलब समझ रहे हो। अब हम कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, हम उत्तर प्रदेश स्टेट से बिलोंग करते हैं। हमारे स्टेट के हेड कौन है, हमारे स्टेट के हेड चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, जो स्टेट्स के हेड होते हैं, मतलब जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो अलग होते हैं, और प्लस जो गवर्नमेंट के हेड हैं वो अलग होते हैं। मतलब प्रेसिडेंट अलग है, प्राइम मिनिस्टर अलग है, ठीक है, और आपके स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स अलग हैं। The head of the government is elected on the basis of the number of members the political parties have in the legislature. अब देखो, head of the government, prime minister, अब देखिए डिफरेंस, जो आपके मोदी जी हैं, इन्हें head of the government, ये prime minister कैसे बने, इनकी पार्टी जीत गई, ज़्यादा से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिली और इसलिए बीजेपी जीत गई। अब बीजेपी के जितने भी मेंबर्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि हाँ हमारे ग्रुप में जो आपके ऑनरेबल रिस्पेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी,
इन्हीं को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, ये इन लोगों ने डिसाइड किया, मैंने आपने नहीं डिसाइड किया, मैंने आपने वोट दिया, मैंने आपने वोट दिया और उसके बाद बीजेपी जीती तो बीजेपी ने डिसाइड किया कि हाँ हम जो आपके मोदी जी हैं इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। वो चाहते तो अमित शाह को ही बना सकते थे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जीते तो वो लोग चेंज कर दें। देखिए आप देखते नहीं, वो अपने में जब दोबारा बीजेपी जीती तो इन्होंने डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया, फाइनेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया। तो ये आपस में जब कोई पार्टी जीतती है तो उसके जो हेड ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो आपस में डिस्कस करके अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। हमारा काम होता है वोट देना। हमारे सामने 4-5 पार्टीज रहती हैं, जैसे कांग्रेस, बीजेपी, उसके बाद सपा। अब हम पे डिपेंड करता है कि हम किसको वोट देते हैं। हम जिसको वोट देते हैं सबसे मेजोरिटी ऑफ वोट्स जो पाते हैं वो उनकी गवर्नमेंट बनती है, उनकी सरकार बनती है। फिर वो अपने में डिसाइड करते हैं कि उनको किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नेक्स्ट थिंग, कभी कभी वो हमको बताए रहते हैं कि अगर हमारी पार्टी जीती तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी रहते, तो कभी कभी उनका इन्फ्लुएंस हम पे पड़ जाता है, उनका प्रभाव पे पड़ जाता है कि हाँ अगर हमने बीजेपी को वोट दिया तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बनेंगे। तो ये भी होता है कभी कभी, वो हमको पहले से बताए रहते हैं कि हाँ अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाते। ठीक है, समटाइम्स नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, इन सच केसेज नंबर ऑफ पार्टीज में फॉर्म अ कॉलिशन फॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 100 वोट है, ठीक है, एक पार्टी को 40 वोट्स मिले, एक पार्टी को 30 वोट्स मिले, और उसके बाद जो आपकी 40 एक पार्टी और थी उसको भी 30 वोट्स मिले। ठीक है, अब इसमें 40 वोट्स वाले पार्टी भी चाहे तो 40 वोट्स वाली पार्टी भी सरकार बना सकती, पर होता क्या है कि जो भी आपके इस नंबर ऑफ सीट्स होते हैं उसके मेजोरिटी सीट्स वाला ही मेंबर जीतता है। ठीक है, अब अगर इसमें यह हो गया कि जो दो 30-30 वाले हैं वो दोनों मिल गए और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, तो उनकी तो 60 वोट्स हो जाएंगी और इनके 40 वोट्स हो जाएंगे, तो सरकार किसकी बनेगी? 60 वोट, मतलब अपने गठबंधन की सरकार। कभी कभी क्या होता है कि दो लोग मिलकर गठबंधन करके कॉलेशन करके सरकार बनाते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती है, आप महाराष्ट्र में चले जाइए, वहाँ शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई है। अगर दोनों नहीं मिलते तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार होती, बट उन्होंने क्या किया कि दोनों लोग मिल गए और अपने उनके वोट्स की इंक्रीमेंट हो गई, दो भाई दो लोगों की वोट्स जुड़ जाएंगी तो ज़्यादा तो हो ही जाएंगे, फिर उन्होंने मिलकर सरकार बनाई, तो ये गठबंधन की सरकार होगी। ये सब कहाँ होता है? ये सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में, जहाँ हमारे इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ है? इंडिया में। प्रेसिडेंटल सिस्टम कहाँ? अमेरिका जैसे कंट्रीज में। यहाँ क्या होता है, यहाँ एक मेन होता है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होते, वहाँ क्या होते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट्स होते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट ही सब कुछ होते हैं। The executive in the parliamentary form is based on the support of the party in the legislature. The political party or coalition party has a majority in the legislature, controls the executive. The prime minister and the cabinet in the great and great are good example in this forms of government. अब देखिए, ये जो आपके executive और parliamentary, ये executive कौन हो गया? यहाँ executive कौन है? यहाँ executive आपके prime minister हो गए, ठीक है? आपके president हो गए, vice president हो गए। अब पब्लिक क्या काम करती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पब्लिक से पार्टी को जिताती है, उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उनको किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। कभी कभी वो हमसे पहले से बता देते हैं कि हाँ अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, तो पब्लिक का उनका इन्फ्लुएंस रहता है कि हाँ ये अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो ये बहुत अच्छा करेंगे, तो पब्लिक उनके नाम पर वोट करती है। ठीक है, इन प्रेसिडेंटल फॉर्म द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर आर सेपरेट, द रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, शी ही इज ऑल्सो नॉट अ रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अब देखिए, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, जो भी काम होगा, अब अगर अकेले मोदी जी ने डिसाइड करेंगे कि हाँ हमें क्या करना है, वो डिस्कस करेंगे, वो कैबिनेट में बैठे अपने सारे मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे, जितने भी उनके लेजिस्लेचर में मेंबर्स हैं उनसे सबसे डिस्कस करेंगे, राज्यसभा लोकसभा से कि ऐसे है, फिर उसमें मेजोरिटी ऑफ वोट्स पड़ने के बाद वही डिसाइड होता है। जबकि जो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है वहाँ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का दूर दूर तक कोई नाता नहीं होता, वहाँ प्रेसिडेंट के पास ही सारे पावर्स होते हैं, वो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं होता। जबकि जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, हमारे जो रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, बट जहाँ प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वहाँ वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते, मतलब प्रेसिडेंट ही सब कुछ, वहाँ प्रेसिडेंट ही सब कुछ होते हैं, वहाँ एग्जीक्यूटिव्स और जो आपकी सॉरी लेजिस्लेचर इन सबसे मतलब नहीं होता, वहाँ प्रेसिडेंट ही सब कुछ होते हैं। यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट, सो बेसिकली देखिए, व्हेन देयर इज ओनली वन गवर्नमेंट फॉर होल कंट्री इट इज नोन एज अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेक्स ऑल्सो एग्जीक्यूटिव्स द लॉ, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना, चाइल्ड एग्जाम्पल ऑफ सच गवर्नमेंट। अब देखिए, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट कब होते हैं, जहाँ इकलौता एक ही गवर्नमेंट होता है पूरी कंट्री के लिए, सिर्फ एक गवर्नमेंट,
पूरी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट होता है, मतलब जो वो बोलेंगे वही पूरी कंट्री में नियम होगा, वही आपके कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यूनिटरी। कहाँ देखने को मिलेंगे आपको ये लॉज भी यही बनाते हैं, नियम कानून भी यही बनाते हैं। हमारे यहाँ देखो हमारे गवर्नमेंट के तीन पार्ट्स है ना, लेजिस्लेचर नियम कानून बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव उसका लागू करेंगे, जुडिशरी उसको देखेंगे कि पब्लिक फॉलो कर रही है कि नहीं। क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ होती है वहाँ सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, वही सारा काम करती है, जैसे चाइना, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ है, इंडिया में है, यूएसए में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। ये आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यहाँ सेंट्रल और स्टेट के गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मोस्ट ऑफ द लॉज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स अप्लाई ऑल ओवर द कंट्री, लॉज बाय द स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई ओनली इन द स्टेट कंट्री। देखिए अब इसका डिफरेंस समझिए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में, मतलब कि हमारे पास दो सरकार होती है, एक तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है। अब जैसे हम यूपी के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, तो अगर योगी जी ने कोई नियम बना दिया तो वो सिर्फ यूपी के लोग फॉलो करेंगे, महाराष्ट्र, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, वहाँ के लोग फॉलो नहीं करेंगे। जब योगी जी कोई नियम बनाएंगे, हमारे चीफ मिनिस्टर कोई नियम बनाएंगे, तो सिर्फ हमें फॉलो करना रहता है, जो डिफरेंट कंट्री जो सॉरी डिफरेंट स्टेट्स होते हैं वो उसको फॉलो करने के लिए बाध्य नहीं। महाराष्ट्र में अगर कोई नियम बन रहा है, महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन हो जाए, ठीक है, 31 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन हो जाए या 31 दिसंबर के लिए लॉकडाउन हो जाए, जैसे महाराष्ट्र के लोग ही उसको फॉलो करेंगे, उसको यूपी के लोग फॉलो नहीं करेंगे। पर अगर आपके रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम लगा दिया, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि 31 दिसंबर तक लॉकडाउन है, तो फिर उसको पूरी इंडिया को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। यही डिफरेंस होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो नियम बनाती है वो सबके लिए बनाती है एक तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट जो नियम बनाती है वो सिर्फ उस स्टेट के लिए बनाती है, वो और अलग स्टेट के सब स्टेट्स के जो सब स्टेट के सीएम्स होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने यहाँ का नियम चेंज कर सकते हैं, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका पालन सबको करना है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी उसका भी पालन सारे गवर्नमेंट्स को सारे स्टेट्स को करने पड़ते हैं, ठीक है। दोनों का डिफरेंस समझे, अगर अभी जैसे अब योगी जी ने मोदी जी ने बोल दिया था, रिस्पेक्टिव प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था कि दो आपकी 500 और 1000 की नोट बंद हो जाएगी, तो वो पूरे इंडिया में लागू हुए, ठीक है। आपके रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सैटरडे संडे वाला लॉकडाउन खत्म, तो अब वो सिर्फ यूपी में है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम हफ्ते में 4 दिन लॉकडाउन रखेंगे, तो फिर वो सिर्फ महाराष्ट्र के लोग फॉलो करेंगे, डिफरेंस समझे। तो इंडिया में कौन से फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल, और जहाँ सिर्फ एक ही गवर्नमेंट होती है, मतलब जो उन्होंने बोल दिया वो हर उनके स्टेट को फॉलो करना पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं। अब लास्ट पार्ट बिच्छू आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, हम उसको अभी आपको समझा देंगे। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज विच डिफाइन हाउ अ स्टेट और कंट्री इज गवर्न। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, अब गवर्नमेंट किसी भी स्टेट या कंट्री पे रूल या शासन करेगी, बट किसको फॉलो करके करेगी, किसके बेस पे करेगी, वो आपका क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज लिखे, नियम कानून लिखे, जो किसी भी स्टेट या कंट्री को गवर्न करने में, शासन करने में हेल्प करता है। हेल्प क्या, उसी के ऊपर पूरी तरह डिपेंडेबल है। The state the distribution of power and authority within the country. The constitution also states the limit of this power and authority. All the institution of government work within the provision of the constitution. अब देखिए these rule, ये जो rules हैं ये हमें बताते हैं कि state government के क्या पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी पावर है, क्या रूल्स फॉलो करने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या रूल्स हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए क्या रूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या रूल्स है, मतलब सब के लिए, हर एक चीज़ के लिए, आपके उठने से लेके बैठने से लेके हर चीज़ के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नियम बना हुआ है। हम उसे, अब आप सोचोगे मैम उठने बैठने के लिए क्या करें, क्योंकि ये फ्रीडम है, आप डेमोक्रेसी में हो, आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के हो, इसीलिए आपको फ्रीडम है कि आप कहीं भी उठ बैठ सकते हो, जो पब्लिक एरिया रहती है आप वहाँ आ जा सकते हो। जबकि बहुत सारी कंट्रीज में ऐसी होती है कि वहाँ लोगों को छींकने से पहले भी गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट होती है कि आप यहाँ छींक भी नहीं सकते, आप यहाँ बात नहीं कर सकते, आप यहाँ स्पिट नहीं कर सकते, मतलब थूक नहीं सकते। तो जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपको तो हर चीज़ की आज़ादी है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अधिकार देता है, ये आज़ादी हमें कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए अलग अलग टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो रिटर्न, अनरिटर्न, रिज्ड एंड फ्लेक्सिबल। रिज्ड का मतलब कठोर, फ्लेक्सिबल का मतलब कि जिसमें लचक हो। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, इसी को पढ़ते हैं कि आपके एकदम लास्ट पार्ट्स हैं, इसमें चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों।
Written and unwritten constitution. In a written constitution, the fundamental principle of government are formally written. The constitution of India was prepared between 9 December 1946 and 26 November 1949 by the members of constituent assembly. In the written constitution, अब देखिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, लिखित कॉन्स्टिट्यूशन। हम देखिए आपके इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक है, आप उसे लेके पढ़ सकते हो क्योंकि ये लिखा हुआ है, किसी बुक में सेव है, किसी बुक में इसको लिखा हुआ है, ठीक है। हमारे रिटन डॉक्यूमेंट्स तैयार है, इसमें हमारे फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स लिखे हमारे गवर्नमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अभी प्रिपेयर कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने इसको प्रिपेयर किया था। The aims of the people and the vision of the leaders are contained and protected in the constitution. This helps to avoid the conflict of any kind. किसी भी तरह के झगड़े फसाद से दूर रहने के लिए constitution में हर चीज के नियम कानून लिखे, सबके अधिकार लिखे, चाहे वो किसी भी category के हो, general, ST, OBC, हर इंसान के अधिकार, चाहे वो इंसानी छोड़िए फीमेल बच्चों सभी के अधिकार के लिए constitution में लिखा गया कि किसी भी तरह का कोई भी झगड़ा ना हो, conflict ना हो। The British government is unwritten constitution contains no single document. It consists of constitutional convention and practice. They have created precedent for the working of the institution together with documents such as statutes, act of parliament. अब देखिए जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, इनकी कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मतलब कि इन्होंने कोई किसी किताब नहीं बना के रखी है, कोई संविधान की कोई इन्होंने किताब नहीं लिखी है, कोई सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। ये धीरे धीरे जो इनके यहाँ का नियम कानून है वो लोगों को इतना इन्होंने प्रैक्टिस करा दिया कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक वो नियम कानून चलते रहते हैं। और इतनी सोचिए कहीं नहीं लिखा है इनके नियम कानून के बारे में कि कोई आप किताब उठा के पढ़ लो कि हाँ ब्रिटेन में क्या, ये सॉरी आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्या संविधान में लिखा है, ऐसा कोई। पर इतने वहाँ के स्टैच्यूज या वहाँ के जो पार्लियामेंट्स हैं, वहाँ के लोगों के बीच में जैसे उनको अपने अधिकार, अपने सब कुछ एक एक चीज़ पता है, मतलब उनको किसी किताब को पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कोई अनरिटन डॉक्यूमेंट उन्होंने लिखा ही नहीं है। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट इन द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिज, द रिज कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज और अबेंडेड इजिली। अब देखिए रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कठोर, जो कठोर संविधान और ये जो फ्लेक्सिबल, जब कोई चीज लिखी है तो आपको उसमें चेंज करने के लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस में चलेगा। एबेंडेंट का मतलब संशोधन होता है, अब कोई भी चीज़ का संशोधन करना होता है तो राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स उस पर वोट्स करते हैं, फिर उसके बाद उस पर प्राइम मिनिस्टर्स की सिग्नेचर होगी, फिर लास्ट में प्रेसिडेंट अगर सिग्नेचर करती है तब जाके वो कोई कानून बनेगा। ये कहाँ होता है, जहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। अगर कोई चीज़ कहीं लिखी है उसमें आपको चेंज करना है तो जान लीजिए कि बहुत बड़ा काम है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिज्ड, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, कठोर होते हैं, रिज्ड होते हैं। अ रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज और अबेंडेड इजिली, आसानी से इसको आप चेंज नहीं कर सकते। टू मेक अबेंडेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैव टू बी फॉलोड, द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड टू मेक चेंजेस और अबेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए सेंट्रल और प्लस स्टेट जितने भी गवर्नमेंट्स होती हैं प्लस राज्यसभा लोकसभा के जितने भी मेंबर्स होते हैं, ये सब मेजोरिटी ऑफ वोट्स डालते हैं किसी भी नियम के ऊपर। अगर ज़्यादा वोट्स जिसके ऊपर पड़ेगी फिर उसी के अकॉर्डिंग उस लॉ में चेंजेस होते रहते हैं। आपको क्या लगता है जो 370 जो चेंज हुआ या 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से या 3 तलाक आया, ये सब इतनी आसानी से थोड़ी हो गया, पहले तो कुछ और नियम थे। इसके इनको चेंज करने के लिए कितने साल संघर्ष करने पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने जब जो इनके मेंबर्स थे, जो आपके लेजिस्लेचर के मेंबर्स थे, जब इन्होंने वोट किया, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट, तब जाके ये नियम चेंज हुए और एक नियम नया नियम बना, 370 हटाया गया, 3 तलाक का नियम लग गया कि हाँ अब ये लॉ हो गया कि अगर आप किसी को ऐसे 3 तलाक बोल के, ये नहीं कि हाँ आपको 3 बार तलाक बोल दिए अब मेरी तुम्हारी शादी टूट गई, अब ऐसे नहीं हो सकता, अब अगर आप ऐसे करोगे तो फिर आपको जेल जाना पड़ेगा और उसमें कोई आपको नहीं बचा सकता। द अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल ऑफ रिज। अब देखिए अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल कैसे रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, यूएसए आपका यूएसए की बात हो रही है तो वो ठीक है, अमेरिका की बात हो रही है क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अब आपको ब्रिटेन अलग हो गया, यूएसए अलग हो गया, चाइना अलग है, तो इसी के अकॉर्डिंग डिपेंड है, ठीक है। जहाँ अमेरिका और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जाम्पल्स ये आपके रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, रिज्ड कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है, जबकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वो अलग था। सो बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन बी चेंज्ड और अमेंडेड इजिली विदाउट वर्किंग इट्स फ्रेमवर्क इज कॉल्ड
break framework. It's flexible. It can be amended by normal law making procedure in the parliament. British constitution is an example of flexible constitution. देखिए अब इसमें कंफ्यूज मत होना, अमेरिका और यहाँ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे है, रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे है, रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, रिज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। और अब इनका जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, वो फ्लेक्सीबल है, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इनके पास कोई चीज़ लिखी नहीं है, इनका कोई संविधान की कोई किताब ही नहीं बनी हुई है। ये इजीली बिना अपने फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है कि मेन जो इनका मेन पर्पस रहेगा बिना उसको चेंज किए उसमें संशोधन कर सकते हैं, सिर्फ उसमें हल्का सा चेंज कर सकते हैं, पूरा नियम नहीं बदल देंगे, उसमें कंडीशंस लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें कंडीशन लगा के चेंज कर सकते हैं, कि ये नहीं कि पूरा नियम ही बदल देंगे, फ्रेमवर्क नहीं बदलेंगे। जैसे आपने क्या किया, आपने कोई चीज़ प्रिपेयर की, अब आप उसको थोड़ा सा उसमें चेंज लाना है, आप उसमें थोड़ा कोई चीज़ मिक्स करके उसमें एक टेस्ट ज़्यादा ला सकते हो, बट आप पूरा डिश ही थोड़ी चेंज कर दोगे, पहले कुछ और बना रहे थे कुछ और बना रहे हो। तो वैसे ही अगर इससे कंपेयर किया जाए, जो इंडिया की गवर्नमेंट, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, कठोर कॉन्स्टिट्यूशन है। कठोर का मतलब यहाँ एक बार यहाँ जो लिखा गया इसे चेंज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बहुत इजीली नहीं हो पाता, मेजोरिटी ऑफ वोट्स चाहिए रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट खुश होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें तैयार होने चाहिए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, तब जाके वो नियम चेंज होते हैं या उसमें संशोधन होता है। जबकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल इनके हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ईजिली बिना अपने मेन फ्रेमवर्क को, बिना अपने नियम को चेंज किए उसमें हल्का सा संशोधन ये ईजिली कर लेते हैं, ठीक है। बस बस किसकी हेल्प से, थोड़े से अपने पार्लियामेंट की मदद लेकर। अब लास्ट पार्ट में आपको बच्चों फ्रेंचाइजी दिया है। देखो मैंने एडल्ट फ्रेंचाइजी का भी बताया था, एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या, यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी की 18 साल के ऊपर किसी भी कंट्री के, 18 साल के ऊपर लगभग, अब तो सारी कंट्रीज है, एकाध अपवाद होंगे तो हमें नहीं पता, बाकी लगभग सारे कंट्रीज में ये 18 साल के ऊपर के लोग वोट कर सकते हैं। और दे ऑल एडल्ट सिटीजन हैव अ राइट टू वोट, सबको अधिकार है। अगर इंसान उठ नहीं पा रहा बिस्तर पे से, अगर उसको दो लोग पकड़ के ले जाके वो पोलिंग बूथ पे वोट डलवा देते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब सबको, जब तक आपकी डेथ नहीं होती, जब तक आप मरते नहीं है तब तक आपको अधिकार है कि आप वोट कर सकते हैं, पर आपको पोलिंग बूथ पे जाना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि पोलिंग बूथ आपके घर पे नहीं आएगी, आपको पोलिंग बूथ पे जाना ही पड़ेगा। अब आपको चार लोग पकड़ के ले जाएं, दो लोग उठा के ले जाएं, आप नहीं उठ पा रहे हो, पर वोट आपका अधिकार है और वो अपने रूल्स नहीं चेंज करेंगे। एक ही जगह वोट पड़ेगी क्योंकि वहाँ पूरी सिक्योरिटी रहती है ना, पुलिस रहती है, फोर्सेस रहती है, फिर वहीं आपको जाके वोट करना पड़ेगा। फ्रेंचाइजी, द टर्म फ्रेंचाइजी When applied to elections means the right of citizens to vote. अब देखिए elections में citizens को right to vote. Franchise was only limited to who satisfy the certain conditions such as education, possession of wealth and income. अब देखिए ये एक word इन्होंने जो दिया है franchise का मतलब है कि ये उन्हीं limited citizens के लिए है जो certain conditions को follow करते हैं, education, position of wealth and income. तो पहले हो सकता है किसी ज़माने में अंग्रेज़ों के समय में ऐसा नियम रहा होगा कि वही लोग वोट करेंगे जो पैसे से मजबूत होंगे या थोड़े एजुकेटेड होंगे, ऐसा नियम रहा होगा। पर धीरे धीरे हम जो आपके रिस्पेक्टेड महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने कहा कि ये वोट का अधिकार तो सबको होना चाहिए ना, वो गरीब है तो क्या उसके पास वोट का अधिकार ही नहीं, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पढ़ा लिखा है पर वो ऑनेस्ट नहीं, वो बेईमान टाइप का है, वो गलत काम कर सकता है तो वो वोट करने का अधिकार है, पर अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है पर वो बहुत ईमानदार है तो वो वोट नहीं कर सकता। उन्होंने इसके पीछे संघर्ष किया, उन्होंने इसके पीछे लड़ाइयाँ लड़ी। अ वोट एनेबल सिटीजन चूज द पीपल हु विल प्रेजेंट देम इन द स्टेट असेंबली। एक वोट ही एक अधिकार है किसी भी सिटीजन को, जो जिसको जिसकी मदद से वो चूज करता है कि किसको गवर्नमेंट में लाना है, कौन उनका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। The vote gives citizen right to choose the people who will govern the country. If the citizen are not satisfied with people, they can replace them at the next election. अगर मान लीजिए 5 साल के लिए तो आप किसी को जिता दिए तब तो ठीक ही है, बट अगर आपको लगता है कि ये 5 साल से अच्छे से काम नहीं किया तो आप दोबारा नेक्स्ट ईयर 5 साल बाद इलेक्शंस में वोट करके अपने दूसरे कैंडिडेट को जिता सकते हो। सारा काम तो सिटीजन्स का होता है। एक्चुअली होता क्या है, बच्चा बता, हम ही लोग गवर्नमेंट बनाते हैं, एक्चुअली हम ही तो गए वोट देने। अब बीजेपी वाले तो नहीं ना, उनके इतनी पब्लिक है कि वही गए वोट देने, वोट तो हम ही आप देने गए थे, या कांग्रेस वाले। बट जब गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करती तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं, एक्चुअली गलतियां तो हमने की थी, हमने उनको वोट दिया तब वो जाके आज गवर्नमेंट बनाए हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, वो सिटीजन्स बनाते हैं,
गवर्नमेंट खुद नहीं बनती। हाँ, अगर जहाँ डिक्टेटरशिप है, जहाँ तानाशाही है, जहाँ नॉर्थ कोरिया जैसे लोग, नॉर्थ कोरिया की जो आपके हैं तानाशाह हैं, जहाँ आपके जर्मनी के डिक्टेटरशिप से, तो वहाँ वहाँ पब्लिक का कोई मतलब नहीं, वहाँ तो पब्लिक को कोई आज़ादी नहीं होती, तो वहाँ वहाँ की तो बात ही मत करिए। बट जहाँ आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहाँ आपको अधिकार है, आप वोट दे सकते हो, तो वहाँ तो आपने चुना ना इनको, तब तो इनकी गवर्नमेंट बनी। इन मोस्ट डेमोक्रेसी टुडे द राइट टू वोट इज यूनिवर्सल, इट इज ग्रांटेड एज अ फंडामेंटल राइट इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, एथनिक, क्लास एंड जेंडर। यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज यूनिवर्सल सफरेज, सफरेज का मतलब अधिकार, वोट करने का अधिकार। अब देखिए यूनिवर्सल सफरेज का मतलब क्या है कि लगभग जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ ये अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट बन गया है कि चाहे आप किसी भी जेंडर के हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी क्लास को, एससी एसटी ओबीसी हो, किसी भी रेस को, चाहे आपका कलर वाइट हो, ब्लैक हो, कोई भी, इससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ 18 साल के ऊपर होने चाहिए, आपको पूरा अधिकार है। आप चाहे ट्रांसजेंडर हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, आपको पूरा अधिकार है, आप वोट कर सकते हो। बस एक नियम है कि आप उस कंट्री के सिटीजन होने चाहिए। अब ये नहीं कि अमेरिका वाले आके इंडिया में वोट करेंगे, ये नहीं पॉसिबल, ना इंडिया वाले अमेरिका में जाके कर पाएंगे। आप उस कंट्री के सिटीजन होने चाहिए और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, या 18 साल या ऊपर। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यूनिवर्सल सफरेज वाज टेकन इन 1930। इट इज फोकस ऑन रिमूविंग प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर वोटिंग पर्पस। इन द लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी द फोकस यूनिवर्सल टू गिविंग वोटिंग राइट्स टू वुमेन। In fact, for a long time, in many developed countries, women are not giving the right to vote. देखिए पहला सब जो पहला स्टेप था 19th सेंचुरी में लिया गया था, इसमें ये कि ये जो प्रॉपर्टी नियम लगा दिया था कि नहीं पढ़े लिखे लोग वोट कर सकते हैं या पैसे वाले वोट कर सकते हैं, इन्होंने इसको हटाया। और 1920 सेंचुरी तक इस बात पे भी इन्होंने जोर दिया कि महिलाओं को भी अधिकार है वोट देने के लिए। इनफैक्ट आज अब पता नहीं इन्होंने ऐसे लिखा है, हो सकता है एक आध दो कंट्रीज होंगे, काफ़ी समय तक तो ये था, बहुत सारी कंट्रीज में ये नियम नहीं था कि महिलाओं को वोट करने का अधिकार है। पर अब धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में लगभग सारी कंट्रीज धीरे धीरे जागरूक हो रही है। हो सकता है कि एक आध दो कंट्रीज अभी भी लोग फीमेल्स को नहीं अधिकार दे रही है वोट करने के लिए, पर जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हाँ महिलाओं को वोट करने का अधिकार है। पूरे वर्ल्ड की बात नहीं कर सकते, पर मेजोरिटी लोगों की बात कर सकते हैं, मेजोरिटी कंट्रीज की बात हम कर सकते हैं। Many society in the past have denied people the right to vote on the basis of race or ethnicity. For example, now whites could not vote in the affected area in South America. The system came to end with the first free multi-party election in 94 onwards. अब देखिए बच्चों इसमें क्या दिया कि कुछ जगह इन्होंने रेस के अकॉर्डिंग वोट करने के लिए मना कर, रेस का मतलब क्या कि आप अलग कास्ट हो, आप हमारी कंट्री से नहीं बिलोंग करते हो, आपको यहाँ वोट करने का अधिकार नहीं। साउथ अमेरिका में क्या हुआ, साउथ अमेरिका में जो लोग नॉन वाइट्स थे, नॉन वाइट्स का मतलब कुड नॉट वोट इन द अपेरेंट एरिया इन साउथ अफ्रीका, द सिस्टम केम टू द एंड विथ फ्री। कहीं कहीं क्या होता है ना, जैसे अधिक मान लीजिए जो लोग ब्लैक कलर के होते हैं, आपने देखा होगा ना, ब्लैक कलर का मतलब कि उनकी कलर ही ऐसी होती है, कुछ इंडिया के लोगों के कलर के फेस की कलर अलग है, अमेरिका की अलग है, अफ्रीका की अलग है, वेस्ट इंडीज़ की अलग है, तो कलर के अकॉर्डिंग, रेस का मतलब क्या, कलर के अकॉर्डिंग, कि नहीं तुम हमारे कंट्री के नहीं हो, तो भाई यहाँ भले वो बचपन से यहाँ रहा, भले उस कंट्री का सिटीजन है, पर उसको कहते नहीं नहीं तुमको यहाँ वोट करने का अधिकार नहीं है। ऐसे भी नियम थे किसी ज़माने में, लोग कलर के अकॉर्डिंग उनको नहीं तुम इस कंट्री के नहीं हो, तुम्हें वोट नहीं करते। मतलब जैसे मान लो वेस्ट इंडीज़ का कोई बंदा अमेरिका में आके रहने लगा और वहाँ का सिटीजन बन गया, उसके बच्चे भी वहीं पैदा हुए, और 18 साल का जब उसके बच्चे वोट करने जाएंगे तो वो लोग कहेंगे कि नहीं तुम तो वेस्ट इंडीज़ के हो, तुम तो हमारे जैसे नहीं हो, तुमको यहाँ वोट करने का अधिकार नहीं है। पर ये सब पहले थे, अब धीरे धीरे सब खत्म हो गए हैं, अब सबको अधिकार है। और जहाँ नहीं भी हो रहा ना बच्चों, जहाँ ये नियम अभी भी लागू है, वहाँ के लोग संघर्ष कर रहे हैं, मतलब वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने लिए अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। Most universal suffrage system still excludes some voters. For example, many countries deny the right to vote to convicted criminals or the mentally ill. Also, almost all countries deny the right to vote to non-citizen residents and citizens below the age. देखिए अभी भी यूनिवर्सल सफरेज में कुछ नियम्स हैं, जैसे बहुत सारी कंट्रीज में जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वोट करने का अधिकार नहीं है, जो मेंटली इल है उनको वोट करने का अधिकार नहीं है, और बहुत सारी कंट्रीज में नॉन सिटीजन्स, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में, भाई अगर आप उस कंट्री के सिटीज़न नहीं हो तो आपको वोट करने थोड़ी देंगे नॉन सिटीजन्स। अगर आप उस कंट्री के सिटीज़न नहीं हो और आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको वोट करने नहीं देंगे, ये तो ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़ में नियम है। ठीक है, हमने फ्रेंचाइजी को समझा, मतलब कि सबको अधिकार है वोट करने का। फिर हमने ये देखा
कि वोट एक वोट ही इंसान को एक अधिकार देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, अगर उसे लगता है कि नहीं सही तो 5 साल बाद वो दोबारा इलेक्शंस में दूसरे को वोट कर सकता है। डेमोक्रेसी में सबको अधिकार होता है वोट करने का, और हम किसी से ये अधिकार उसके कास्ट, जेंडर या क्लास इन सब के बेस से छीन नहीं सकते कि नहीं तुम इस क्लास के उस जेंडर को तुम वोट नहीं कर सकते। ये यूनिवर्सल सफरेज है, सबको सबको अधिकार है इस। बट धीरे धीरे इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कही कि लगभग सारे कंट्रीज में अगर आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं हो तो आप वोट नहीं कर सकते, और प्लस आपकी उम्र 18 साल से नीचे तो आप वोट नहीं कर सकते। दूसरी, बहुत सारी कंट्रीज में क्रिमिनल्स और मेंटली डिस्टर्ब लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है। आई होप आपने इस चैप्टर को समझा। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज़ मैसेज एंड कॉल कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।